आज का जो सब्जेक्ट मैं आपके लिए स्पेशल एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ, बिकमिंग द मोस्ट लव्ड एंड डिमांडेड एजेंट ऑफ द पार्टी। दोस्तों, मोस्ट लव्ड एंड डिमांडेड एजेंट बनने के लिए हमें दो चीज करनी पड़ेगी। एक, प्रोफेशनली एकदम पावरफुल होना पड़ेगा, मतलब प्रोफेशनली परफेक्ट, मतलब हमारे जैसा नॉलेज, हमारे जैसा मतलब जो भी इंश्योरेंस का नॉलेज है, जो भी इंश्योरेंस फील्ड के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो लेटेस्ट एंड अपटूडेट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। दैट इज प्रोफेशनली पर्सन। नाउ मैंने देखा है, लेकिन प्रोफेशनल लोगों को लोग प्यार नहीं करते, और जब कोई आपको प्यार करता है तब आप मोस्ट लव्ड एंड डिमांडेड एजेंट बन जाते हैं। दोस्तों, मोस्ट लव्ड एंड डिमांडेड एजेंट बनने के लिए हमें थोड़ा प्रोफेशनल से आगे जाके पर्सनली भी बनना पड़ेगा। पर्सनल, उसको लगना चाहिए कि मेरा इंश्योरेंस एजेंट है और मेरा एजेंट बेस्ट है, क्योंकि प्रोफेशनली बेस्ट है। और मेरा लाइक फैमिली में, मेरे LIC का पहले एक एडवर्टाइज आता था, परसों पहले एक एडवर्टाइज आता था, एक फैमिली फोटो दिखाया जाता था। इसमें एक दो सीनियर पर्सन रहते, एक 55 का मेल और 52 का लेडी, उसके साथ तीन जेंट्स और दो लेडीज, ऐसा दिखाया जाता था। और उसके नीचे लिखा जाता था कि कैन यू आइडेंटिफाई हुई द इंश्योरेंस, हुई द LIC एजेंट इनटू दिस, क्या आप पहचान सकते हो इसमें से इंश्योरेंस एजेंट कौन है। दोस्तों, एडवर्टाइज आप देखोगे ना, आप बोल नहीं पाओगे कि इंश्योरेंस एजेंट इसमें से कौन होगा। इसका मतलब LIC क्या बताना चाहती थी कि इंश्योरेंस एजेंट शुड बी ए फैमिली मेंबर, एक फैमिली मेंबर होना चाहिए। और दोस्तों देखिए, हमारा जो काम है, आप कोई दुकान वाले के पास जाओ, कुछ परचेस करने को जाओ, आपको प्रोडक्ट सही देगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको अगर वो रिस्पेक्ट अच्छा देता है, आपको कोई एडवाइस अच्छी देता है जो आपके जीवन में काम आने वाली है, तभी आपको लगता है इसमें इसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये निष्प्रूफ आदमी, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है लेकिन मेरा फायदा करा रहा है। ऐसे हर प्रोफेशन में हो सकता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए पर्सनल होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको कुछ छोटी सी बात बताऊं, हमारा रोल पूरा करने के लिए मुझे लग रहा है कि हमें खाली प्रोफेशनल होके काम नहीं चलेगा। अब किसी आदमी को आपने मैच्योरिटी दे दिया कि आपको 60 साल में रिटायरमेंट में पैसे आएंगे, सही बात है। अभी आपको प्रोफेशनली परफेक्ट होना है ना, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये 10 तारीख को। प्रोफेशनल किसको बोलते हैं कि भाई खुद के लिए पैसा कमाए, फैमिली के लिए पैसा कमाए, अच्छे पैसे कमाए, कस्टमर को अच्छा फायदा देवे, कंपनी को भी अच्छा फायदा कराए, इसको टोटल प्रोफेशनल बोलते हैं। और जो लोग रिपीट दे के काम करते हैं वो नहीं मानता हूं, और प्रोफेशनलिज्म भी ये बोलता है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इवन MDRT ऑल्सो सेज, रिबेट अगर आपने दिया तो यू आर नॉट ए प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट। और रिबेट बिगर काम करना, उसके लिए अभी 10 तारीख को हमारा एडवांस कोर्स शुरू हो रहा है, उसमें पहला दिन रिबेट कोर्स। एडवांस कोर्स में 30 से प्लस प्रोजेक्ट्स नीड आइडेंटिफाई करवाई जाती है। मतलब दोस्तों, जो आदमी ने एडवांस कोर्स कर लिया, बेसिक अगर आपने किया है तो ही एडवांस करो, पहले बेसिक कोर्स करना जरूरी है। अगर आप नए हो तो पहले बेसिक कोर्स कर लो, उसके बाद एडवांस कोर्स करो। एडवांस कोर्स के बाद कॉर्पोरेट कोर्स करना बहुत जरूरी है। आप एडवांस कोर्स करोगे MDRT WMDRT पहुंच जाओगे, लेकिन COT TOT अगर करना है ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है, तो कॉर्पोरेट कोर्स करना जरूरी है। मैं आपको बाद में सभी कोर्सेस के बारे में डिटेल दूंगा। सो हमारे प्रोफेशन के बारे में हमारी एडवाइस एक पत्थर की लकीर होनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए इनकी जैसी एडवाइस किसकी नहीं है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट, पीपल शुड बैंक ऑन अस नाउ। लेकिन आपने मैच्योरिटी, मैंने जो बात की कि आपने किसी आदमी को मैच्योरिटी दे दी, आपने आपका एक प्रोफेशन है कि भाई रिटायरमेंट प्लानिंग में मेरे को आपको 2 करोड़ रुपया देना है, आपको 2 करोड़ रुपया दे दिया। अब 2 करोड़ रुपया आएगा
अब सोचना वो टाइम पे एक साथ में 2 करोड़ रुपया आ रहा है, वो आदमी की उम्र 60 से 65 के बीच में है, उसके दोनों बच्चे 40-45 के हो चुके हैं, उनको अगर बिजनेस में कुछ पैसा चाहिए, बाप के पास मांगेंगे, बाप ने अगर पैसा दे दिया तो बेटा भी जाएगा पैसा भी जाएगा, और पैसा नहीं दिया तो बेटा जाएगा, दोनों जाने वाला है। सो हमारा एक रोल बनता है वो टाइम में कैसा प्लान दूं, उसको कैसी एडवाइस दूं, और इसके लिए पार्टी से थोड़ा नजदीक जाना, थोड़े दिल से नजदीक जाना पड़ेगा। दिल से नजदीक जाने का पार्टी अपनी पर्सनल बातें बताएगा, आपको अपना दोस्त मानेगा। मेरे साथ बहुत से ऐसी फैमिली है जहां एक फैमिली में बाप मुझे मानता है कि वो मेरा मैं उसका दोस्त हूं, बड़ा बेटा मानता है कि मैं उसका खास दोस्त हूं, बीच में वाला बेटा मानता है कि मैं उसका खास दोस्त हूं, और लास्ट बेटा मानता है कि मैं उसका खास दोस्त हूं। उनके फैमिली में कुछ काम कराना एक दूसरे के पास तो मुझे बुलाया जाता है दोस्तों। सभी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है और सभी लोग मुझे अच्छा दोस्त मानते हैं, उनको ये लगता है ये मेरा खास दोस्त है हर एक को। दोस्तों ऐसे कुछ लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, और ऐसे लेवल पे पहुंचने के लिए हमारी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए, मैं सच बता रहा हूं, मैं एक स्पेशल सब्जेक्ट लेके आ रहा हूं, लोगों के दिल के करीब कैसे पहुंचे। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, देखिए बच्चे हमारे घर में पैदा होते हैं, बच्चे फिर बड़े होते, और जब तक नन्हे बच्चे रहते हैं ना बहुत मजा आती है। जैसे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं और बड़े होने के बाद स्कूल में जाते हैं, उनके दोस्त बनते हैं, फिर माँ बाप से थोड़ी दूरी बन जाती है, लेकिन अब ये दूरी बनने के बाद किसी को अच्छा नहीं लगता। बच्चे आजकल माँ बाप के साथ खेलना नहीं चाहते, माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते, माँ बाप को बहुत चिंता है मेरे बेटे का, उनके कैरियर का फिक्र है। अभी और बड़े बच्चे होते जब उनकी शादी होने के बाद, तो आजकल तो मैंने देखा है पहले से लोग रेडी है कि उनसे दूर रहो भाई, दूर रहेगा तो थोड़ा भी प्यार रहेगा, लेकिन दूर एक कलेजे के टुकड़े को दूर करना, एक माँ अपने पार्ट ऑफ बॉडी को दूर कर रहा है, ऐसा हो रहा है। सो दोस्तों ये बहुत बुरे दिन, ये इसमें सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन उसकी समझ हो कि इसका कैसे ज्यादा फायदा किया जाए। मैं तो ऐसा समझता हूं, 4 पीढ़ी बोलते हैं, 4 पीढ़ी जिसने देखा सोना हो जाता है, खुद है, उनका बेटा है, उनका बेटा है और उनका बेटा है, मतलब 4 पीढ़ी जो आदमी देखता है, 3 बच्चे आगे देखता है, उसको सोना भुला जाता है। और ये पूरा जब तक डेथ होने तक वो बाप है, एक बात समझ लीजिए, 80 साल का बाप भी बाप है, 85 साल का बाप भी बाप है, 90 साल का बाप भी बाप है, और इनके घर पे पोते के पोते ग्रेट ग्रैंड पेरेंट आएंगे, उनको कुछ देने की इच्छा होगी। दोस्तों फाइनेंशियल मैटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें एडवाइस करने के ऐसे पैसे का प्लानिंग करें कि जिंदगी भर बाप रहे। लेकिन दोस्तों खाली पैसे से काम नहीं होगा, जहां पैसा ज्यादा होता है वहां ही लफड़ा होता है। मैंने देखा गरीब लोग इकट्ठे होके जीते हैं और अमीर लोग इकट्ठा करके जीते हैं, झगड़ा करके जीते हैं। सो दोस्तों हमें कुछ ऐसी बात उनके जीवन में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी जहां उनके पास कल्चर हो, वैल्यूज हो, वर्च्यूज हो, और ये हम सिखा नहीं सकते, क्योंकि सिखाने को जाएंगे ना उनको लगेगा मुझे कुछ सिखा रहा है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, आप खुद पहले तो सीख लो, तो कहीं छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर सकते हो। कहीं 2 भाई में झगड़ा है, कहीं बाप बेटे में झगड़ा है, आपने उनके कंधे पे हाथ रख के साइड में ले जाके कुछ 2 बातें बोल दी और उसको लगा कि नहीं यार ये आदमी सही कर रहा है, और बाप बेटे का रिलेशन अच्छा हो जाता है, आपको दुआएं देते हैं और तभी वो आपको फैमिली मेंबर समझते हैं और आपने जो भी प्लान बोला वो लेते हैं। और दोस्तों ये रिलेशन जिंदगी भर खुशनुमा रहे, एकदम सभी आनंद से जिए, एक दोस्ती से ज्यादा घर में आनंद ही आनंद हो, ऐसे आजकल बहुत मिसिंग है दोस्तों। सो मैं तो चाहता हूं जितने एजेंट आज मुझे सुन रहे, आपके लिए मैं एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, जॉय ऑफ पेरेंटिंग, 6 दिन का प्रोग्राम है, सिर्फ 2 घंटा, शाम को 6:30 से 8:30, 28, 29, 30
सितंबर और 2-3-4 अक्टूबर को ये मैं प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, 6 दिन का प्रोग्राम। आप खुद बैठिए और जिनके दिल के आपको करीब पहुंचना है उनको बिठाइए इस प्रोग्राम में कि सर आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, किसको बुरे को अच्छा नहीं करना, मैं किसी बुरे को अच्छा नहीं करने वाला, जो है वो अच्छा है उसको और अच्छा करेंगे, किसी को सुधारने का प्रोग्राम नहीं है, सभी अच्छे लोग हैं, खाली थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हो जाए, मतलब जॉय ही जॉय हो, उसके लिए उसका नाम मैंने रखा है जॉय ऑफ पेरेंटिंग दोस्तों। और मैं चाहता हूं जब तक सब लोग साथ में जी, एक दूसरे का रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे से प्यार हो, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो जाए। कभी कभी बच्चे लोग पढ़ के बाहर चले जाते हैं, माँ बाप यहाँ अकेले रह जाते हैं, आजकल सोसाइटी का बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है। सो मैं चाहता हूं दोस्तों आप खुद सीखे, और एक बात समझ लीजिए, जब तक आप खाली फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, जब तक हम उनको उनकी चीज देंगे वो हमको अच्छा मानेंगे, ग्रेट मानेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन प्यार जब करेंगे, जब अपने हस्बैंड वाइफ के झगड़े में थोड़ा या तो अनबन में थोड़ा ऐसा कुछ प्यार डाल दिया कि वो लोग बोलेंगे नहीं इनके बिगर नहीं चलेगा, दोनों भाई के बीच में, बाप बेटे के बीच में छोटी छोटी बातें होती है, और थोड़ी सी ना समझ या तो थोड़ा सा अच्छा समझ होता तो ऐसा नहीं होता था। तो ऐसा मैं लाइट प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, लोग इजीली कर पाएंगे और आनंद ऐसा करेंगे, और जो दिन आपके 8 से 10 पार्टी उसमें बैठ गए वो आपको ऐसी दुआ देंगे, चल मैं तेरे को बिजनेस कराता हूं, तूने मेरा जिंदगी बना दिया, मैं तेरी जिंदगी बनाऊंगा। दोस्तों ये टाइप का मैं प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, और मैं आपको प्रोफेशनली परफेक्ट होने के लिए आईए के कुछ प्रोग्राम बता रहा हूं। दोस्तों एडवांस कोर्स 10 तारीख को शुरू हो रहा है, आज 8 तारीख है, कल एक ही दिन बाकी है, जितने लोगों को पता चले तुरंत ज्वाइन कर लो, हमारे एग्जीक्यूटिव को फोन करके मंगा लो। दोस्तों 26 और 27 सितंबर को अमोल मुकेश भाई और हिरेन भाई दोनों एक मस्त प्रोग्राम लेके आ रहे, प्राइवेट इंश्योरेंस वर्सेस LIC, LIC में ऐसे प्लान है जो प्राइवेट इंश्योरेंस से कैसे अच्छे हो सकते हैं, एक नॉमिनल फीस है 2950। पारस भाई लेके आ रहे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दोस्तों ये 19 और 20 सितंबर को है, और ये बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैंने पेरेंटिंग का बताया, पेरेंटिंग में लेके आ रहा हूं, उसका भी प्राइस एकदम नॉमिनल रखा है, 6 सेशन का सिर्फ 2990। आज के तारीख में उसका प्राइस कभी भी, ये सभी का प्राइस कभी भी बढ़ सकता है। एक बिगिनर कोर्स आ रहा है जो नए एजेंट है, और कभी कभी जूनियर एजेंट को भी बहुत कुछ पता नहीं रहता, तो बिगिनर कोर्स करके हम स्टार्ट कर रहे हैं, 14-15-16-17 सितंबर को आ रहा है। दोस्तों ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत रहेगा, हनुमान भाई लेने वाले हैं इनको, हमारे लीडर, और इसके भी प्राइस एकदम नॉमिनल है 1499। बेसिक कोर्स आ रहे हैं 16-17-18 अक्टूबर को, मुकेश भाई वेरी पावरफुली इसको लॉन्च किया है दोस्तों, इसका भी प्राइस कुछ 3500 है, और बेसिक कोर्स से जिंदगी की शुरुआत होती है। और तो आपके लिए और एक गुड न्यूज़, जो लोगों ने बेसिक एडवांस किया हुआ है कॉरपोरेट कोर्स में लेके आ रहा हूँ उसको, और हर एक कोर्स हमेशा इंप्रूवमेंट के साथ आ रहा है, और ये टाइम का जो कॉरपोरेट में लेके आ रहा, हमेशा हमेशा जब कोई कॉरपोरेट कोर्स रिपीट करता है उसको लगता है सर गए टाइम से बहुत हाइट पे, ये टाइम पे बहुत हाइट पे जाने वाला दोस्त। और आज की तारीख में थोड़े दिनों के लिए इसका प्राइस मेरे ख्याल से 22,000 के ऊपर जा रहा है टैक्स के साथ, लेकिन जो लोग अभी अर्ली रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए सिर्फ 18,000 में अवेलेबल है। तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हो और उसको रजिस्टर करवा सकते हो दोस्तों। लेकिन एक चीज याद रहे, वैल्यू जब ऐड करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक लड़के को अपने बाप से, बाप के पास पैसे चाहिए थे, बाप बेटे को देने वाला नहीं था, उसको बेटे पे भरोसा नहीं था, बाप ने मुझे बुलाया क्योंकि बाप मानता है दीपक की एडवाइस सही है, मुझे पूछा गया कि दीपक ये मेरा तीसरा बेटा है, वो मेरा भी दोस्त है क्योंकि मेरा तो सब दोस्त है फैमिली में, तो उसको पैसे दूं या ना दूं, अभी मैं, मुझे मालूम है अगर मैं दूंगा और वो वापिस नहीं देगा तो मेरा नाम खराब होगा, गलत एडवाइस भी नहीं दे सकते हैं, अच्छा मैं ना देने का बोलूं तो मेरे दोस्त को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं बोला क्या है, वो पैसे मांग रहे हो, बोला पैसे मांग, बोला आपकी इच्छा क्या है, बोला दूंगा तो वापिस नहीं आने वाला है, बोला देने की इच्छा है कि नहीं,
बोला देने की इच्छा है लेकिन वापिस नहीं आएगा। बोला ऐसे भी तो अभी आपकी उम्र हुई है, आज नहीं तो कल तो देना ही देना है ना, आप भले 100 साल के हो जाओ, उनकी उम्र भी अच्छी थी, लेकिन आज नहीं तो कल उनको ही देना है ना, आज उसका काम होता है, अगर आपको दिल में भगवान बसता है आपको देना है तो दिल से दे दो, नहीं आया तो आपको तो देना ही है, और आ गया तो भगवान की कृपा समझ लो, आएगा तो वापिस भी उनको ही देना है। दोस्तों एडवाइस ऐसे, मैंने तो लाइफ में इतनी एडवाइस दी हुई है पेरेंटिंग के बारे में, सच बोलता हूँ इतनी, इतने बड़े सब्जेक्ट्स है, मैं कितना बताऊं कैसे बताऊं, मैं रियली एक्साइटेड रहता हूं। सो दोस्तों प्रोग्राम इतने बढ़िया, मैं प्रोग्रामिंग के आपको कुछ वीडियोस देने वाला हूं पेरेंटिंग में, 8 से 10 वीडियोस दूंगा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, ये 10-15 मिनट में मैं कुछ ज्यादा बात नहीं बता सकता हूं। सो दोस्तों कैरी ऑन, आज से कुछ ऐसा करिए कि पार्टी के दिल से नजदीक जाइए, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करिए, लेकिन उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने के लिए हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, और वैल्यू एडिशन का मतलब है वैल्यूज, लाइफ में वैल्यूज क्या है, मैं सच बोलूं वैल्यूज के बारे में बताऊं, सत्य, ट्रुथ, ट्रस्ट, भरोसा, झूठ न बोलना, संस्कार, रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, देन कंट्रीब्यूशन, देने की भावना, कुछ करने की भावना, और आखिर में स्पिरिचुअलिटी ये बोलता है हम जो देंगे वो वापिस आएगा, और हम अगर देने की भावना हमेशा रखते हैं तो हमें और मिलते जाता, हमें मांगना ही नहीं पड़ता है। सो दोस्तों ये वर्च्यूज है, वैल्यूज है, ये जीवन में बहुत लोग सबको अच्छे लगते हैं, हाँ लेकिन उसकी शुरुआत करने वाला कोई चाहिए, मैंने मेरी ओर से शुरुआत की है, अभी आप पहले आप जान लो, उसके बाद या तो आपके साथ में अपने पार्टिसिपेंट को बिठाओ और देखना चमत्कार हो जाएगा जिंदगी में। दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, सब्बा खैर, थैंक यू, मिलते हैं अगले बुधवार को, गुड नाइट।